भागवत गीता के पंक्ति के साथ करती हूँ। योगक्षेम वहां में हम दोस्त हु हैव फेथ ऑन अस वी केयर फॉर देयर वेलबींग, जिनको हम पर भरोसा है उनकी रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। विद द 67 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड द स्लोगन ऑफ LIC स्टैंड बाय इट्स नेम एंड वर्च्यू द सर्विंग द पीपल वर्ल्ड वाइड। I, Padan Lakchara, as a true LICN, have a strong belief on it. And I know everyone is sitting here lit by the name of LIC. So guys, what's the slogan? Exactly. Zindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi. If you are looking for a helping hand, there is one at end of your arm. And it's us, the LIC. So, I love to start this beautiful day and would like to request our senior branch manager, Mr. Mohan Chanji, to come and welcome our honorable worthy. जो मीटिंग हो रही है, समारोह है, इसमें हमारे बीच में इस ऐतिहासिक मीटिंग के गवाह हमारे बीच हमारे मंडल के महानायक परम आदरणीय श्री आलोक गुप्ता सर और साथ में आए हुए मार्केटिंग मैनेजर श्री एस राव सर, और आज इस मीटिंग में आपके दिलों में आग लगाने के लिए जो आए हुए हैं इलाहाबाद से हमारे बीच मिस्टर तरुण ओझा जी और मंच पर आसीन मेरे सहयोगी श्री सुनील जोशी जी, मेरे ब्रांच के विकास अधिकारीगण और मेरे सहयोगीगण और मेरे मार्केटिंग साथियों, मैं आप सबका इस स्टार्ट सेमिनार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब साथियों, आपने सोचा होगा कि इसका नाम एजुकेशन सेमिनार तो है, किक स्टार्ट क्यों रखा है? किक देखिए, लाइफ में किक बहुत जरूरी होती है, चाहे कहीं पढ़े, बचपन में माँ बाप की किक, स्कूल में टीचर की किक, और जब बड़े होते हैं जब हमें कुछ करना होता है तो स्वयं की किक चाहिए होती है, और एक ऐसी किक आप जब आपको लगेगी तो साथी वो आपको कहां पहुंचा देगी वो आपको पता नहीं। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें किक लगाते हैं तभी गाड़ी आगे चलती है, तो उसमें चाहिए होता पेट्रोल। वो पेट्रोल आपके अंदर है और हमें क्या करना है, उसमें स्पार्क देना है। जो स्पार्क की जरूरत होती है, पेट्रोल कम ही जाता है उसमें स्पार्क लगता है, तो वो स्पार्क हम आपको देंगे और वो गाड़ी आपको चलानी है, वो किक स्टार्ट करके आपको गाड़ी मंजिल तक पहुंचानी है और उसका काम हम करेंगे। आज साथियों, इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि आपके अंदर आपके दिलों में वो आग लगानी है, और उस आग को लगाने के लिए हमारे बीच में ओझा जी यहां पर है, और मैं चाहता हूं कि जो आप यहां पर उपस्थित हैं वो ऐसे नहीं रहेंगे, ये आग जलती रहनी चाहिए। तो साथियों, इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट अब आया है, जैसे मीटिंग में गए थे तो IBP इनकम बिजनेस प्लानिंग, यानी कि साथियों हमें अब केवल एजेंसी ऐसे नहीं देखनी है, उसको एक प्रोफेशन के रूप में लेना है, एक बिजनेस के रूप में लेना है। अभी कुछ लोग क्या होते हैं कि अपना काम करते हैं और साइड में बिजनेस के रूप में, मतलब चलो एजेंसी ले ली, एक पॉलिसी ले ली, दो पॉलिसी ले ली, छह पॉलिसी कर ली, साथियों उसको नहीं, इसको एज ए प्रोफेशन के रूप में लेना है, ऐसे बिजनेस के रूप में लेना है। मैं पहले भी आपसे मीटिंग में कह चुका हूं कि जो सुभाष चंद्र का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो साथियों मैं फिर आपसे इस मंच के माध्यम से कहता हूं, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हारी इनकम डबल करूंगा। आज इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, आपके दिलों में आग लगनी चाहिए। साथियों, अगर आपने
उसके लिए आज हमने इस पूरा इंतजाम किया इस मीटिंग का। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे आपको पता है कि हमने एक गोल्ड क्लब एक बनाया हुआ है, जैसे जब 11 मई को मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद हमने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर एक गोल्ड क्लब की स्थापना की है। इस गोल्ड क्लब में हमारे चुने हुए हमारे जांबाज जो मार्केटिंग हमारे अभिकर्तागण वो इसमें है। मैं चाहूंगा कि ये अभिकर्तागण ऐसा मुकाम बनाए, ऐसी पहचान बनाए कि डिवीजन में सब एक एक के नाम से जाने कि हाँ ये गोल्ड क्लब का मेंबर है। तो ये मेरी एक ऐसी मेरी आशा है, ऐसी उम्मीद है। इसके बाद हमने एक शुरुआत की है सुपरस्टार ऑफ द मंथ, मई के महीने में सुपरस्टार ऑफ द मंथ हमारे, मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से प्रमोद कुमार जी के लिए तालियां जो एनओबी आधार पर नंबर वन थे और रवि सैनी जी जो पीएम के आधार पर थे उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो साथियों सुपरस्टार बनने का मकसद यह है कि आप में से ही कोई ऐसा जुझारू पैदा होगा जो चाहेगा कि नहीं मैं नंबर वन रहूं ब्रांच में। तो पॉलिसी और प्रीमियम के आधार पर हम एक एक अभिकर्तागण को चुनेंगे, उसका पोस्टर लगेगा बकायदा और आपने देखा होगा पोस्टर हमने लगा दिए हैं, हर महीने पोस्टर उसके लगेंगे उनके जो नंबर वन पर रहेंगे उस महीने में। इसके अलावा जो लगातार जिसका 3 महीने पोस्टर लगेगा उसको हम देंगे चैंपियन ट्रॉफी, मतलब उसको एक ट्रॉफी दी जाएगी जिसका नाम होगा चैंपियन ट्रॉफी। तो 3 महीने लगातार जिसका पोस्टर लगेगा चाहे पॉलिसी के आधार पर चाहे प्रीमियम के आधार पर उसको हम चैंपियन ट्रॉफी देंगे। तो साथियों उसके लिए तैयार रहिए और अपने आप को जो है मजबूत कर लीजिए। इसके अलावा जो जो गोल्ड क्लब के मेंबर हैं उनको हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे। अब गोल्ड क्लब का बना दिया ऐसे मतलब नहीं कि हम उससे सिर्फ काम के लिए देंगे, हम उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी यानी कि उनकी समस्याओं को निराकरण प्रायोरिटी बेसिस किया जाएगा। दूसरा अभी हमने शुरुआत की है जो एसबी मैच्योरिटी की लिस्ट होती है यानी कि जिनकी ड्यू डेट निकल गई है यानी कि जून चल रहा है तो मई तक का जिन अभिकर्ताओं ने अपने एसबी मैच्योरिटी पे काम नहीं किया है हम उस एजेंट लिस्ट को उन गोल्ड क्लब के मेंबर को देंगे ताकि वो उसको उसको पार्टी के पास पहुंचे उससे लाइजर बनाए उससे रिसाइकलिंग करवाएं और उसको मैच्योरिटी एसबी पेमेंट दिलवाएं। तो ये काम हम बहुत प्रायोरिटी बेसिस करेंगे, हमने लिस्ट देनी शुरू कर दी है। जो गोल्ड क्लब के मेंबर यहां पर हैं मैं चाहूंगा कि वो खुद मैं कुमार जी से या क्लेम डिपार्टमेंट से आप जाके वहां पर लिस्ट खुद मांग सकते हैं। तो हमने ये लिस्ट प्रोवाइड करी है। इसके अलावा हम अगले फेज में और आपको ऐसे चीजें मुहैया कराएंगे जिसके लिए आपको अपने काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा ही महसूस होगी और सरल महसूस होगी। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग और भी लोग जो गोल्ड क्लब आना चाहते हैं वो अपने काम को करके दिखाएं तो उनको गोल्ड क्लब हम शामिल करेंगे। साथियों इसके अलावा हमने अभी 2 गोल्ड क्लब की वर्चुअल मीटिंग करी थी गूगल मीट के द्वारा, तो और इस तरह से डेवलपमेंट ऑफिसर की मीटिंग करी थी। ये जो किक स्टार्ट सेमिनार का आइडिया कैसे आया, मैंने जब 2 तारीख को हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर की मीटिंग करी तो हमारे सभी साथियों से मैंने रखा, मैंने कहा एक हीरो की मीटिंग तो करते ही हैं लेकिन हम एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें कि लोगों में जो उत्साह आए और एक काम करने का जुनून पैदा हो। तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से कहा नहीं सर एक ऐसी मीटिंग करवाइए और किसी एक मोटिवेटर को बुलाइए। तो उस पर हमने काम किया और उसमें परमिशन की जरूरत थी, मैंने एम साहब एच एम साहब से परमिशन ली और उन्होंने तुरंत हाँ कहा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे एच एम साहब का और एडम साहब का कि जिस इस मीटिंग के लिए उन्होंने हाँ कहा और आज इतनी पूरी संख्या में पूरे देश की खचाखच भरी हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया है हमने क्वालिफिकेशन की कंडीशन रखी थी जो 1 पॉलिसी करेगा वो इस मीटिंग में आएगा और जो 5 पॉलिसी करेगा उसको आज सम्मानित किया जाएगा। तो आज जो 5 पॉलिसी करने वाले हमारे 49 लोग हैं, मैं चाहूंगा उस 49 लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया ताली बजाएं यहां पर। साथियों जो इस साल का नया बजट आ चुका है टीपीआई है ये मैं तो आपकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा ये हमारे लिए बहुत छोटा बजट है, इसको हम बहुत आसानी से पूरा करेंगे। मैं आपकी तरफ से हमारे साहब को विश्वास दिलाता हूं मैंने जो बजट का असर कहा है हम 1.5 और इस साल हम बनाएंगे 15 एमटीआरटी, कम से कम 15 एमटीआरटी हम यहां पर बनाएंगे और वो होंगे आप जैसे होंगे। शतकवीर पिछली बार 8 थे, इस बार हमने लक्ष्य रखा है कम से कम 20 बनाएंगे, 20 शतकवीर इन्हीं जो सौ करेंगे। अर्धशतकवीर पिछली बार 28 थे, हम इस बार बनाएंगे 60 अर्धशतकवीर। और साथियों मैंने अपनी जो हमारे विकास अधिकारी की जो टीम है उनसे मैंने कहा है कि 30 जून तक आपको 80% एक्टिवेशन करना है, कम से कम 80%।
हालांकि 60-70% काफी लोग कर भी चुके हैं उसमें, और अभी जो हमारा इस 15 दिन में जो हमारा एक्टिवेशन हुआ है 54.11, जो कि बहुत अच्छा एक्टिवेशन है। सिर्फ हमारी टीम ने, जो हमारे डेवलपर्स ऑफिसर हैं, हम जो हमारे सीएलआईज हैं और जो हमारे डायरेक्ट एजेंट हैं, उन्होंने सिर्फ बातों से जो है ये इतना एक्टिवेशन किया है। तो मैं चाहूंगा कि ये एक्टिवेशन 30 जून तक पूरा कंप्लीट हो जाए और इसमें सबका आपका सहयोग चाहिए। बस मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यानी कि दो दो चाका भी में तो हम भी कर लेता है, लेकिन अच्छा काटना है। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जिए इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो साथियों, रुड़की वन ब्रांच को हल्द्वानी डिवीजन की नंबर वन ब्रांच बनाना है, उसके लिए सब लोग तैयार हैं? सर, आपकी परमिशन से मैं ब्रांच की प्रोफाइल थोड़ा आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारी ब्रांच 1959 में स्थापना में आई थी। इस समय वर्तमान में हमारे पास 10 डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, 18 सीएलआईएस हैं और एक डेडिकेटेड टीम ऑफ इनफोर्स एजेंट्स 571 है। एमडीआरटी हमारे पास 5 है, जैसे सर ने बताया अभी, और इस टीम को सुदृढ़ बनाती है हमारे क्लब मेंबर्स, जो हमारे पास सीएम क्लब मेंबर्स हमारे पास 23 हैं, ZM 13 है, DM क्लब मेंबर 19 है, सर BM क्लब मेंबर्स 8 है, DCM डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर्स 3 है, काम करती है, बल्कि एक स्थिरता भी प्रदान करती है। तो मैं आवाज दूंगा श्री अमित भाटे जी के जोरदार तालियों के साथ। साथियों, सबसे ज्यादा मुझे लगता है अहम इस समय मुद्दा आज आप लोगों का है और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो हमारे सीनियर ब्रांच इंचार्ज मुझे करेक्ट करेंगे। यहां पर जून माह के प्रथम पखवाड़े में आप सब लोगों ने ऑलरेडी मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मुझे कहा गया कि मैं आप लोगों से कुछ क्लब मेंबरशिप्स के बारे में बात करूं। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि जब मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां से लेके पीछे तक ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका एक्सपीरियंस शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा है यहां पे, और मैं अगर उन लोगों को कुछ सिखाऊं या कुछ बताऊं तो ये मेरे लिए गुस्ताखी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मन से एक आह्वान हुआ है तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ मैं अपने विचार जरूर शेयर करना चाहूंगा। साथियों, क्लब मेंबरशिप के लिए सबसे जरूरी चीज दो है, और उन दो में से क्या चीज ज्यादा जरूरी है वो शायद हम अगले 2-3 मिनट में इसको डिस्कस कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कि स्किल वर्सेस विल की लड़ाई है ये, सिर्फ और कुछ नहीं है। अगर आप पूछें कि सीएम क्लब मेंबर को कितना केसेस करने हैं, लैब सेशन क्या है, ये सब मुझे नहीं लगता इस मन से मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। आप सब लोग सक्षम है, आप सब लोगों को पता है कि वो कैसे होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग बन गए अभी तक क्लब मेंबर और जो लोग नहीं बन पाए हैं उनके बीच का एक फर्क जो है वो जो मैंने इतने सालों में महसूस किया है, मैं आप लोगों से सिर्फ अभी अगले 5-7 या 2-4 मिनट जितना भी मिलेंगे मुझे, मैं उसमें वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो मोटे तौर पे मेरा मानना यह है कि ये बेसिकली एक स्किल वर्सेस विल की लड़ाई है। और एक चीज और, जितनी लेट हम क्लब मेंबर बनेंगे उतनी कम समय तक हम उसके बेनिफिट्स को उठा पाएंगे। हम जितना जल्दी क्लब मेंबर बनेंगे उतने जल्दी हम उसके बेनिफिट्स उठा पाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मेंटल ब्लॉक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पंजाब के एक फेमस पोएट हुए हैं बाबा बुले शाह, उनका मैं 4 लाइनें हैं वो मैं पढ़ के आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि हम भगवान का शुक्रिया जरूर करें तो बाबा बुले शाह की 4 लाइन्स हैं जो मैं आप लोगों से अभी कहना चाहूंगा। वो कहते हैं, चढ़ दे सूरज टलते वेखे, बुझ दे दीवे बलते वेखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, मैं तो खोटे सिक्के भी चलते वेखे, जिना दे उत्ते रब दी मेर और बंदे पानी उत्ते भी चल दे बैठे। सो आप में से कई लोग जो ये सोचते हैं कि वो सीएम क्लब अपनी वजह से हैं, उनकी अपनी वजह से ज्यादा, उनके पीछे उनकी संस्था खड़ी है, उनके पीछे उनके भगवान खड़े हैं, उनके पीछे उनका परिवार खड़ा है, तो कृपया उन सब का जरूर ध्यान रखें और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि मर्तबा चाहे ये दाना खाद में मिलिए,
गुले गुलजार होता है। कहने का मेरा बात ये है कि आपके अंदर जो शक्ति है, जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं, उसे जानोगे नहीं, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। मैं नवंबर 92 में एलआईसी में मैंने 22 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। उस समय ग्रेजुएशन करके मैं निकला था, तो हमारे गुरु जी कालीचरण जी वहां विधि विकास अधिकारी वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी मेरी भेंट हुई थी एक जगह, तो उन्होंने मेरे को एलआईसी की एजेंसी दी। उन्होंने मेरे को समझाया कि भैया एलआईसी का काम जो है बहुत ही अच्छा काम है, अगर आप ढंग से कर लोगे तो आप बहुत आगे पहुंच सकते हो। तो मैंने उनको आदर्श मानते हुए उनके कहने से एलआईसी ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के बाद मैंने 6 महीने तक कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं उस समय एक प्राइवेट स्कूल में 250 रुपए पर मंथ पढ़ाया करता था, क्योंकि मुझे वहां 250 रुपए मिलते थे। एलआईसी मैंने कभी की नहीं थी, तो मैंने एलआईसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। तो जब 6 महीने हो गए, तो उस समय हमारे गुरु कालीचरण जी और एके शर्मा जो हमारे सहायक शाखा प्रबंधक हुआ करते थे उस समय, वो मेरे घर पे आए, फील्ड में फील्ड गाड़ी लेकर आए। तो इतनी जोर जी जान से मेहनत की, मैंने पीछे कभी मुड़के नहीं देखा और कभी कोई फार्म भी नहीं भरा, किसी भी सर्विस के लिए कोई फार्म आज तक मैंने नहीं भरा, और मैं दिन रात मेहनत करता रहा, जिसकी वजह से आज मैं रुड़की में मेरा अपना मकान है और ऐसी जगह मकान है जहां आदमी एक सपना सोचता है कि माली चौक पे मेरा मकान है। एलआईसी ने मेरे को मकान के लिए पैसे दिए, कार के लिए पैसे दिए, यहां तक जो भी कुछ है आज मैं एलआईसी की वजह से हूं। तो मैं इसलिए चाहता हूं साथियों, ये आपके पास एक बहुत बड़ी संस्था है जो आपको पैसा भी देती है, प्यार भी देती है, सम्मान भी देती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कम से कम यहां बैठे इतने लोग हैं 20-25 बार किसी ने हवाई जहाज में यात्रा करी है, यहां लेकिन हमारे 20-25 लोग चेयरमैन क्लब मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज कई बार हवाई जहाज में यात्रा की है। तो ये हवाई जहाज में यात्रा करना भी एक सपना होता है आदमी का। तो ये सब एलआईसी की वजह से मिला है। हम तो ये चाहते हैं कि एलआईसी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। एलआईसी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, दौलत दी, धन दिया, सब कुछ दिया है। तो मैं ज्यादा बात कहते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, और दो लाइनें मुझे और याद आ रही है, वो भी आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद साथियों। 1997 की बात है जब मेरे गुरुजी श्री अमित भाई से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। ये वेस्पा स्कूटर से हमारे गांव में आ रहे थे और मैं घर से आ रहा था, हमारी मुलाकात गांव के बीच में हुई, और इन्होंने खुद मुझे कहा कि मुझे प्रमोद कुमार से मिलना। मैंने कहा सर मैं ही प्रमोद कुमार, बताइए। फिर हम घर गए, चाय पानी पी, और उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की। शुरू शुरू में महीने भर में एक कोर्स होते थे, फिर बाद में शादी होगी, उसके बाद लगा भाई अब तो एलआईसी में काम करना है। तो अब से करीब मैंने 15 साल पहले एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब मुझे हमेशा 100 कोर्स करनी है। और साथियों मैं लगभग 15 साल से हमेशा से ही 100 कोर्स करता रहा हूं। ये मेरा सब का एक अपना टारगेट होता है, इसके लिए मुझे अपने डेवलपमेंट अफसर ने एक बार बताया था कितने कोर्स करनी है, 100 कोर्स करनी है तो 100 कोर्स करनी है। बहुत लीजिए साथियों, आपके लिए भी मैं कहता हूं कि आप अपना एक गोल बना लीजिए कि मुझे 100 कोर्स करनी है। आप उसको 2 भागों में 4 भागों में बांट दीजिए। शुरू शुरू में मैंने अपने आपको सितंबर तक बांटा कि सितंबर तक मुझे 50 कोर्स करनी है, तो मैंने सितंबर तक 50 कोर्स कर ली, उसके बाद मार्च तक आराम से 50 कोर्स हो जाते। आप लोग भी कर सकते हैं, मैं कुछ जादू नहीं करता, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक दृढ़ शक्ति है। मैंने मान रखा कि मुझे 100 कोर्स करनी है तो करनी है, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। साथियों आपको थोड़ा सा कुछ छोड़ दे देता हूं, आपको हमेशा आगे देखना है, पीछे नहीं देखना बिल्कुल भी। मेरे आगे कितने आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी, बोर्ड आप देखो कि मेरे आगे 3 आदमी है, तो पीछे नहीं देखना कितने आदमी है, देखो आगे देखना है सिर्फ। मेरे गुरु जी ने भी ओलंपिक की बात की, तो एक ओलंपिक 1960 में शायद रोम में हुआ था, उसमें हमारे जो ये धारक थे मेनका सिंह जी, अगर आपको पता होगा तो वे 400 मीटर की दौड़ में हार गए थे। क्या कितने लोग जानते हैं कि वो क्यों हारते हैं? किसने भाग मिलेगा, वहां पिक्चर देखी होगी, तो हार गए थे, इसलिए हार गए थे
क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था कि मेरे पीछे कितने आदमी है। बस मैं साथ ही बताता पीछे मत देखो, केवल आगे देखो, सिर्फ आपको आगे देखना है कि मेरे साथ दो आदमी है, चार आदमी है, दस आदमी है, तो सिर्फ आपको आगे देखना है, कोई बड़ा काम नहीं है। अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखिए, डाकघर की जितनी बचत योजना है उनकी भी जानकारी रखिए। कोई आदमी आपसे कहेगा कि यार मैं तो पीपीएफ कराऊंगा, अरे पीपीएफ का तोड़ है हमारे पास जीवन लाभ पॉलिसी, आप उनको बताइए। बहुत प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास और कंपनी से बहुत अच्छे हैं, आप उनके बारे में बात कीजिए। साथियों जैसे हमारे जो हमारे टॉप के शेयर है सोनवी जी ने बताया, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा भी अपना सहारे मकान है, मैंने बिना लोन के मकान बनाया है, अच्छी कंपनी में मकान है, मैं तीन बार जनप्रतिनिधि रहा हूं, वो भी केवल एलआईसी में से रहा हूं। एलआईसी ने बहुत मन किया है, बहुत सम्मान किया है, बहुत अच्छा काम है। सिर्फ आपको एक ध्यान केंद्रित करके आपको लगना पड़ेगा। जैसे मैं सोपुर से करता हूं, आप कर सकते हो, चेयरमैन कर सकते हो, सीओटी टीओटी गैलेक्सी कॉर्पोरेट सब आप बन सकते हो। सबसे पहले मोटिवेशन का मुझे पता नहीं मोटिवेशन क्या होता है, तो सब लोग मंच पर बैठे हुए आपको बताएंगे। मैं अपने अनुभव की जो आज तक का सफर मेरा एलआईसी में रहा है उसके अनुभव में जो आया है 5-7 मिनट में मैं आपसे शेयर करूंगा। साथियों हम जो देखते हैं हमारे कुछ साथी लोग अपने को अभिकर्ता कहने में ही संकोच महसूस करते हैं, जबकि मेरा अपना मानना यह है कि ये हमारी आजीविका का साधन भी है, और जो हमारी आजीविका का साधन होता है, जो हमारे परिवार को चलाता है, वो हमारे लिए पूजनीय कार्य होता है, और साथ साथ ये हमारे लिए स्वभाव का पवित्र कार्य भी है। हम जिन लोगों की पॉलिसी करते हैं, जिन लोगों का बीमा करते हैं, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन लोगों को एक बचत करने का माध्यम हम देते हैं। लेकिन हम लोग क्या उस कार्य में पूरे चल पाते हैं जिस समय समाप्त कार्य को पूर्ण करने का समय होता है, हमारे कुछ लोग भाग जाते हैं। डेथ क्लेम दिलवाने के समय हमारे कुछ लोग भाग जाते हैं। मैं इस बात को बड़े विश्वास से कह सकता हूं, मेरी कम से कम 10-15 पॉलिसी हर वर्ष आप लोगों के बीच से होती है। कारण आप लोग भागे, वो डेथ क्लेम वाला मेरे पास आया और मैंने जब उसको डेथ क्लेम मिला, आपको बहुत बड़ी बात नहीं होती, डेथ क्लेम उसको मिला तो पॉलिसी मुझे निश्चित मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिजनेस से मिले। तो साथियों अगर हम अपने कर्तव्य से भागेंगे तो सबसे पहले तो हम उसके साथ में धोखा कर रहे हैं, दूसरी बात हम जो पवित्र कार्य मान रहे हैं तो पवित्र कार्य क्या हुआ, हमने पैसे लेने के टाइम पर पवित्र मान लिया और पैसे देने के टाइम पर हम भागे, तो उसका कारण केवल मेरी जो समझ में है कि हम लोगों की नॉलेज उस बारे में कुछ कम रहती है, हम लोग उस बारे में सोच नहीं पाते, देखना नहीं चाहते। तो सभी लोग अगर अपनी जो नॉलेज अपने गुरु और उसके साथ में बैठ के उसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो मोटिवेशन का कार्य है ये सफलता पूर्वक हमें आगे ले जाएगा, जब हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर हम नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, हमारी नॉलेज नहीं होगी, तो मोटिवेशन कितना भी हम करते रहें वो कार्य नहीं होगा। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम अपनी जो नॉलेज हमें नहीं पता है कुछ भी, हम केबिन में जाके मालूम करेंगे तो निश्चित रूप से पता लगता है। जब मैंने कार्य शुरू किया, साथियों आए तो बहुत कुछ है बताने के लिए, हमें सब लोग बहुत है। जब हमने कार्य शुरू किया उस टाइम 3,3200 रूपये की 75 बीस और बल्कि 3,3200 रूपये से 50,000 की पॉलिसी होती थी, 350 रूपये 6 महीने के या 700 रूपये साल की पॉलिसी होती थी, और हम जब पॉलिसी करते भागते थे कि पॉलिसी करो किसको, ऐसा ना हो कोई आ जाए और इसको खराब कर दे।
आज तुम सब लोग पीछे बैठे एलआईसी की बात करते हैं, तो हमें गर्व है कि आज हम उसी स्थिति में हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं एलआईसी नहीं करता है।